मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा था कि पेपर सेट करना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मुख्यमंत्री खट्टर के बयान पर आपके वरिष्ठ उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का तीखा वार, खट्टर साहब पेपर नहीं करवा सकते, खट्टर साहब जनता को सुरक्षा नहीं दे सकते, क्लर्कों को 35,400 वेतन नहीं दे सकते, आशा वर्कर्स को सम्मान नहीं दे सकते, किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकते, सरपंचों को उनके अधिकार नहीं दे सकते, तो सीएम साहब कुर्सी पर बैठकर क्यों खुद को और प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी का एक नया अजीबोगरीब बयान आया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी कह रहे हैं कि सीईटी के बच्चों की परीक्षा पेपर सेट करना सरकार का काम नहीं है, यानी खट्टर साहब बच्चों के पेपर नहीं करा सकते, खट्टर साहब क्लर्कों को 35,400 का वेतन नहीं दे सकते, खट्टर साहब आशा वर्कर्स को पक्का नहीं कर सकते, पीएफ नहीं दे सकते उनको, खट्टर साहब कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दे सकते, खट्टर साहब महिलाओं को सुरक्षा का वातावरण नहीं दे सकते, खट्टर साहब सरपंचों को उनके अधिकार नहीं दे सकते, खट्टर साहब किसानों को मुआवजा नहीं दे सकते, खट्टर साहब बाढ़ पीड़ितों को मुआवजा नहीं दे सकते, और सबसे बड़ी बात खट्टर साहब का कहना है कि वो प्रदेश के हर व्यक्ति को पुलिस की सुरक्षा भी नहीं दे सकते। तो फिर खट्टर साहब इस कुर्सी से क्यों चिपके हुए हो? जब आपसे प्रदेश संभल नहीं रहा, जब हरियाणा आपसे चल नहीं रहा, तो फिर इस कुर्सी से चिपके रहना जरूरी थोड़ी है। क्यों खुद परेशान हो रहे हो, क्यों प्रदेश की जनता को परेशान कर रहे हो? मुझे लगता है अब आपके रिटायरमेंट का वक्त आ गया है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि पूरा हरियाणा ही हड़ताल पर है। आप देखिए, हर जिला मुख्यालय पर क्लर्क हड़ताल पर बैठे हैं, आशा वर्कर्स हर विधायक और मंत्री के घर का घेराव कर रही हैं, हड़ताल पर हैं लगातार, पूरी सरकार अपंग की स्थिति में, पैरालिसिस की स्थिति में आज के दिन में है। ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि खट्टर साहब अच्छा यही रहेगा कि आप रिटायरमेंट ले लें और किसी और व्यक्ति को प्रदेश को चलाने का मौका दें, शायद आपसे कुछ बेहतर चला पाए। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें आज प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।